अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर। सबसे पहले कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप और लैचेस का देखा था, द फ्लिप फ्लॉप्स आर एसेंशियल कंपोनेंट इन क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट, यानी सिक्वेंशियल सर्किट जिनके अंदर हम क्लॉक पल्स या क्लॉक बिट यूज करते हैं, वो उसमें फ्लिप फ्लॉप जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है। सर्किट्स दैट इंक्लूड फ्लिप फ्लॉप्स आर यूजुअली क्लासिफाइड बाय फंक्शन दे परफॉर्म। अब ऐसे सर्किट जिनके अंदर हमने फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, उसको फंक्शनैलिटी की बेसिस के ऊपर हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई करना है। वो दो क्लासेस जो हैं, उनमें से एक रजिस्टर्स है और दूसरी काउंटर्स। हम पहले काउंटर्स देख चुके हैं, अब आज हमने देखना है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स आर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप वेयर ईच फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। रजिस्टर्स जो हैं, ये फ्लिप फ्लॉप के ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हर फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। इट्स अ वन बिट मेमोरी सेल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए वन बिट मेमोरी सेल ये होता है। टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिट्स वी हैव टू यूज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अगर हमने स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो वन बिट से इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सच ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर्स। तो हम जब मेमोरी या स्टोरेज को इंक्रीज करते हैं वन बिट से, तो उसमें हमने ग्रुपिंग करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की, और वो ग्रुपिंग जो है वो रजिस्टर कहलाती है। द एन बिट रजिस्टर विल कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ एन बिट वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ बिट्स जो है, जाहिर है जब हम फ्लिप फ्लॉप्स ये नंबर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ बिट्स भी इंक्रीज होंगी हमारी। तो एन बिट रजिस्टर जो है उसमें कितना होगा, एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे और वो एन बिट वर्ड जो है वो स्टोर करेगा डाटा का। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, द बाइनरी डाटा इन ए रजिस्टर कैन बी मूव्ड विद इन द रजिस्टर फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। रजिस्टर के अंदर जो बाइनरी डाटा हमने स्टोर करना होता है, यानी जो डिजिटल डाटा होता है, वो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप के दरमियान मूव करता है। द रजिस्टर्स दैट अलाउ सच ट्रांसफर ऑफ डाटा आर कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर्स। ऐसे रजिस्टर्स जिसके अंदर ये वाली डाटा ट्रांसफर होती है, मूवमेंट होती है या शिफ्टिंग होती है, उसको हम कहते हैं कि वो शिफ्ट रजिस्टर है। देयर आर फोर मोड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए शिफ्ट रजिस्टर। अब ये शिफ्ट रजिस्टर जिस तरीके से डाटा को मूव करते हैं विद इन फ्लिप फ्लॉप्स, ये चार तरीके होते हैं। और इन फोर मोड्स में सबसे पहला है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, फिर है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, फिर पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, एंड लास्ट इज पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। नंबर वन इज सीरियल इन एंड सीरियल आउट SISO शिफ्ट रजिस्टर। इस रजिस्टर में क्या होता है, डाटा इज इनपुट सीरियली अंटिल इट रीचेस द आउटपुट। आपने डाटा को सीरियल मैनर में ट्रांसफर करना होता है और हमारा जो आउटपुट होती है वो भी सीरियल में ही हमें मिलती है। एट दिस टाइम इट एग्जिस्ट इन ए सीरियल मैनर एज वेल। द शिफ्टिंग द मूवमेंट ऑफ द डाटा फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर डाटा की मूवमेंट जो होती है वो लेफ्ट से राइट होती है, मतलब यहाँ से इनपुट आएगी और यहाँ पे आउटपुट शो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। Each shift is initiated with a clock cycle. हर shift जो है, यानी जब आपका एक word जो है, यानी group of bits से transfer होगा, तो वो according to clock cycle होगा। उसके बाद आपका clock cycle भी shift करेगा और आपका next word जो है वो transfer होगा। ये वाला register जो है, ये 4-bit word है, इसमें 4-bit SISO register है, उसकी figure है। इसकी block diagram जो है, वो आप ये देखें। फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमने ये इनपुट हम दे रहे हैं और ये हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, ये D3 इनपुट हमने दी है और ये आउटपुट मिली हमें Q3। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इसकी जो आउटपुट है वो इस फ्लिप फ्लॉप की एज अ इनपुट होगी, यानी ये D2 जो है वो इसकी आउटपुट एज अ इनपुट लेगा और यहाँ पर अपनी आउटपुट जनरेट करेगा। फिर इसकी जो आउटपुट है ये Q2, वो इस D1 की इनपुट होगी और Q1 जो है वो इसकी आउटपुट जनरेट कर देगा। हर एक फ्लिप फ्लॉप के ऊपर आपने क्लॉक साइकिल जो है वो देना होगा। ठीक है, क्लॉक साइकिल के साथ ये शिफ्ट होगा। फिर Q1 जो अपनी आउटपुट जो है
ये एज अ इनपुट डी नॉट को देगा और डी नॉट जो है वो अपनी फाइनल आउटपुट क्यू नॉट जनरेट कर देगा। ये सारा काम जो है वो सीरीज में हो रहा है, आपका क्लॉक साइकिल जो है वो भी सीरीज में जा रहा है और इसीलिए इसको सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर बोलते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देखें, इनिशियली जब आपने क्लॉक साइकिल बिगिन नहीं किया था, इसकी वैल्यू अभी आपने क्लॉक इनिशिएट नहीं किया था, तो ये सारा जो था वो जीरो था, ठीक है। तो अब आपने क्लॉक को इनिशिएट किया है, तो पहली जो है इसकी डी इन जो आपने दिया है Q3 को, उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर हमारी जो आउटपुट जनरेट होगी वो 1 और बाकी तीनों जो फ्लिप फ्लॉप्स है उनकी आउटपुट 0। यानी यहाँ पर आपने डी इन जो दिया 1 हायर दिया आपने, जैसे ही क्लॉक साइकिल जो है वो इंक्रीज हुआ आपने हायर दिया, जब इसकी वैल्यू 1 थी क्लॉक की आपने इसको भी 1 दिया, इसने आउटपुट जो है Q3 वो 1 जनरेट कर दी। जब इसने 1 जनरेट की है तो उस लेवल के ऊपर बाकी तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू 0 थी, ठीक हो गया। वो वाली चीज जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद आ जाएं सेकंड वाले पे। अब यहाँ पर Q3 जो है इसकी वैल्यू आउटपुट 1 थी, अब वो वाली जो है एज अ इनपुट जाएगी D2 को, जब इसको एज अ इनपुट गई तो इसकी वैल्यू भी 1 थी, इसकी वैल्यू भी 1 थी, तो बाकी दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और बाकी दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की 0। अब इसने जो है यानी Q2 ने जो है वो एज अ इनपुट देना है D1 को, तो D1 एज अ इनपुट लेके Q1 की वैल्यू 1 जनरेट कर देगा। जब Q1 की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है सिर्फ वो 0 बचेगा, बाकी तीनों फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो हायर स्टेट पर होंगे। इसी तरह से जब ये वाला फ्लिप फ्लॉप एज अ इनपुट देगा D0 को, तो हमारी Q0 आउटपुट जनरेट होगी जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये जो है डायरेक्शन है आपकी डेटा ट्रेवल की। इसकी वेवफॉर्म डायग्राम जो है वो भी सिंपल ऐसे ही है, डी इनिशियली क्लॉक साइकिल पे 0 और जब आपने उसको 1 किया है तो ये सारा जो है स्टोर वर्ड इस वक्त इनिशियल जो है वो 000 था। अब Q1 पे जब आपने 1 जो है वो दिया, क्लॉक साइकिल 1 पर आया वो 0 के बाद, जब आपने उसको हायर किया है तो 1 और बाकी तीनों फ्लिप फ्लॉप 0। उसके बाद सेकेंड स्टेज के ऊपर आपकी ये 1 और 1 0 0, थर्ड स्टेज के ऊपर 3 1 थे, फिर 0 और फोर्थ पे सारे 1 हो गए थे, इसलिए आपका वेवफॉर्म उसके अकॉर्डिंग है। सेकेंड इज सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इन सच टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस द डेटा इज एंटर्ड सीरियली एंड टेकन आउट इन पैरेलल फैशन। आपने डेटा जो है इसमें वो सीरियल में देना होता है, लेकिन आपकी आउटपुट जो है वो पैरेलल आपको मिलती है। डेटा इज लोडेड बिट बाय बिट, डेटा जो है वो बिट बाय बिट आपने लोड करना है, सेंड करना है। द आउटपुट्स आर डिसेबल्ड एज लॉन्ग एज द डेटा इज लोडिंग। जब तक आपका डेटा लोड हो रहा होगा आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। एज सून एज द डेटा लोडिंग गेट्स कंप्लीटेड ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स कंटेन देयर रिक्वायर्ड डेटा, द आउटपुट्स आर एनेबल्ड सो दैट ऑल द लोडेड डेटा इज मेड अवेलेबल ओवर ऑल द आउटपुट लाइंस एट द सेम टाइम। तो आपका जब डेटा लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तमाम फ्लिप फ्लॉप्स जो है जिनको डेटा रिक्वायर होगा वो अपने आउटपुट्स को अनेबल कर देंगे और लोडेड डाटा जो है वो फिर तमाम आउटपुट लाइंस पे सेम टाइम के अंदर मूव कर सकेगा। 4 क्लॉक साइकल्स आर रिक्वायर्ड टू लोड ए 4-bit वर्ड। 4-bit का वर्ड जो है, यानी अगर एक वर्ड जो है उसमें 4 bits होती हैं, तो 4-bit वर्ड को लोड करने के लिए आपको 4 क्लॉक साइकल्स रिक्वायर होते हैं। हेंस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट इज सेम दैट ऑफ SISO। तो इन दोनों की जो है आपकी स्पीड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इसकी ब्लॉक डायग्राम आप देखें कि आपका ये डाटा आपने जो है वो इनपुट तो सीरियल में कर रहे हैं, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो पैरेलल में मिल रही है। आपने यहाँ पर आउटपुट ली, ठीक है, उसके बाद आपने एज अ इनपुट इसको दिया, यानी इसमें हमने जो है वो सीरियल मैनर में नहीं चलना। आउटपुट जो है वो आपको हर स्टेज के ऊपर मिल रही है। जब आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी आपका डाटा अगेन लोड होगा, आपकी ये वाला जो है उस वक्त फ्लिप फ्लॉप डिसेबल होगा। जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एज अ इनपुट इसको दिया जाएगा, जब इनपुट ये दीजिएगा तो ये अपना आउटपुट जनरेट करेगा और आउटपुट जो है हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर यहाँ से जो डाटा लोडिंग अगेन स्टार्ट होगी और यहाँ पर हमें एज अ इनपुट देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ये पैरेलल फैशन में हमें आउटपुट मिलेगा और सीरियल में हमारी इनपुट होंगी। थर्ड इज पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट।
Data bits are entered in the parallel fashion. The circuit shown below is the 4-bit parallel input serial output register. Outputs of the previous flip-flop is connected to the inputs of the next one via combinational circuit. इसमें हमारा क्या होगा, डेटा बिट्स जो हैं उनको हमने पैरेलल ऐड करना है और आपकी आउटपुट्स जो हैं वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट वन इन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने अभी पीछे देखा है कि हम जो एक की आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट है, इसमें भी सेम यही काम होगा। बाइनरी इनपुट वर्ड बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री इज अप्लाइड थ्रू द सेम कॉम्बिनेशनल सर्किट। जो हमने बिट्स देनी है यानी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं, जो हम 4-bit वर्ड दे रहे हैं उसको उसने बी नॉट से बी थ्री तक डिनोट किया है, उसको भी सेम हमने ऐसे ही अप्लाई करना है जैसे हमने आउटपुट जो है वो ली है। इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो आप ये देखें कि आपका पैरेलल डाटा इनपुट आप हर एक बिट के लिए जो है आप डाटा सेंड कर रहे हो पैरेलल फैशन में। पहले तो डाटा इस तरीके से मूव कर रहा था सीरियल में, लेकिन अब आपने हर एक में ऐसे सेंड करनी है। ये अपनी आउटपुट जनरेट करेगा, फिर आपका यहाँ पर जो है वो एज अ आउटपुट जनरेट हो जाएगी। जब यहाँ पर आउटपुट जनरेट होगी तो ये नेक्स्ट में जो है अपनी एज अ इनपुट देगा उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्लॉक साइकिल जो है वो पैरेलल डाटा के साथ ही, जैसे आप डाटा इनपुट करोगे वो अपना आउटपुट जनरेट करेगा। आपके आउटपुट जो है वो सीरियल ऑर्डर के अंदर होगी। यहाँ पर आपने पैरेलल में डाटा एंटर करना है हर बिट के अंदर और वो सीरियल मैनर में आपका डाटा कंबाइन करके आपको आउटपुट दे देगा। फोर्थ इज पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसके नेम से जाहिर है कि आपने डाटा जो है वो इनपुट भी पैरेलल में करना है और आपकी आउटपुट जो होगी वो भी आपको पैरेलल में ही मिलेगी, ठीक है। एज सून एज यू एज ए नेगेटिव क्लॉक एज इज अप्लाइड, जब आपका क्लॉक एज जो है वो नेगेटिव होगा तो इनपुट बाइनरी बिट्स विल बी लोडेड इनटू द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। तो आपकी बाइनरी बिट्स जो है वो नेगेटिव क्लॉक एज के ऊपर यानी जब उसकी वैल्यू जीरो होगी तो आपकी बिट्स जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। द लोडेड बिट्स विल अपीयर साइमल्टेनियसली टू द आउटपुट साइड, ओनली क्लॉक पल्स इज एसेंशियल टू लोड ऑल द बिट्स। तो जब आपकी लोडेड बिट्स जो है वो आउटपुट पे तब जनरेट होंगी जब आपका क्लॉक साइकिल जो है या क्लॉक पल्स जो है वो उनको लोड कर देगा। और यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि आपकी तमाम बिट्स को लोड करने के लिए क्लॉक साइकिल या क्लॉक पल्स जो है वो रिक्वायर है। इसकी ब्लॉक डायग्राम आप देखें कि इसमें हमने पैरेलल ही ये इनपुट देनी है और आपको आउटपुट जो है वो भी पैरेलल ही मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये पहला एक बिट दिया, उसने अपनी आउटपुट जनरेट कर दी। फिर आपने सेकेंड बिट दिया, उसने अपनी आउटपुट जनरेट कर दी यहाँ पर। फिर आपने थर्ड बिट वर्ड दिया, यहाँ पर उसकी आउटपुट आ गई। फिर आपने फोर्थ दिया और यहाँ पर उसकी आउटपुट आ गई। आपने मैनुअली जो है वो आउटपुट से नहीं दी, आपने बिट बाय बिट जो है वो आउटपुट्स को सेंड किया है। फिर है बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। इफ ए बाइनरी नंबर इज शिफ्टेड लेफ्ट बाय वन पोजीशन देन इट इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल नंबर बाय टू। अगर एक बाइनरी नंबर जो है उसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट बाय वन पोजीशन, ए यानी लेफ्ट साइड से एक पोजीशन आगे हमने उसको शिफ्ट करना है, तो वो कैसे होगा, वो सेम ऐसे ही है जैसे हम उसको ओरिजिनल नंबर टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली इफ ए बाइनरी नंबर इज शिफ्टेड राइट बाय वन पोजीशन, अगर हमने उसको राइट साइड पर एक पोजीशन एक बिट पोजीशन जो है मूव कराना है देन इट इज इक्विवेलेंट टू डिवाइडिंग द ओरिजिनल नंबर बाय टू। तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस नंबर को जो डाटा का नंबर है उसको हम टू से डिवाइड कर रहे हैं। Hence, if we want to use the shift register to multiply and divide the given binary numbers, then we should use to able the move the data in either left or right direction. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा shift register जो है वो multiply भी करे और divide भी करे binary numbers को, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें data को left और right दोनों directions में move करवाना होगा। तो ऐसे registers जो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस को यूज करते हैं और अपने डाटा को मूव कराते हैं उनको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रजिस्टर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। अ शिफ्ट रजिस्टर विच कैन शिफ्ट द डाटा इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनी डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ऐसा रजिस्टर जिसमें आपका डाटा जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो वो यूनी डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है। A register in which the data shift in both the directions, जिसमें आप दोनों directions में data move कर सकते हो, तो वो आपका bidirectional होगा। अगर हम यही logic apply करें shift register के ऊपर
और हम कहें कि ऐसा रजिस्टर जिसमें डाटा जो है वो शिफ्ट हो रहा है इन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज लोड इट पैरेलली, और हम इसको पैरेलल मैनर में लोड भी कर रहे हैं, तो ऐसा रजिस्टर जिसमें डायरेक्शंस भी ज्यादा हैं और लोडिंग भी हो रही है तो उसको हम कहेंगे वो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। द शिफ्ट रजिस्टर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। शिफ्ट रजिस्टर क्या क्या कर सकता है, आपकी पैरेलल लोडिंग कर सकता है, लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन को शिफ्ट कर सकता है और राइट साइड पे ऑपरेशन को शिफ्ट कर सकता है, यानी बाई डायरेक्शनल काम भी करता है और लोडिंग भी करता है। अब हम जो है इन तमाम रजिस्टर की टाइप्स और उनकी समरी देख लेते हैं कि SISO सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या है, आपका डाटा भी सीरियल और आपकी आउटपुट भी सीरियल, ठीक हो गया। सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट में क्या है, आपने डाटा तो सीरियल में दिया है लेकिन आपको हर वर्ड के साथ आउटपुट मिलती जा रही है, यहाँ पर तो आउटपुट आपको कट्टी मिली थी लेकिन यहाँ पर आपको हर वर्ड के साथ आउटपुट मिल रही है पैरेलल फैशन के अंदर। पैरेलल डाटा दे रहे हैं आप और पैरेलल आउटपुट मिल रही है PIPO में, यानी आपने डाटा भी पैरेलल दिया है और आपको आउटपुट भी पैरेलल मिली है, और PISO पैरेलल में आपने डाटा दिया है लेकिन आपको जो आउटपुट है वो सीरियल में मिल रही है, यानी आपने हर एक बिट को डाटा खुद ट्रांसफर किया है पैरेलल मैनर में और आपको जो वो यहाँ पर ही अपना डाटा स्टोर करेगा, उसके बाद नेक्स्ट आपने जो बात दिया ये भी स्टोर करेगा, फिर इसका ये भी स्टोर करेगा और फिर ये रीथ्री जब आप दोगे तो ये भी स्टोर करेगा और इन सब को इकट्ठा जो है वो एज आउटपुट जनरेट कर देगा। रजिस्टर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, दीज आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा, मैनिपुलेशन एंड डाटा स्टोरेज, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए और स्टोर करने के लिए, यानी एज स्टोरेज डिवाइस जो है ये यूज होता है। दे आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल डाटा, देयरफॉर इन कम्युनिकेशन लाइंस के अंदर आपका जो डाटा है वो सीरियल स्टेट से पैरेलल फैशन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है थ्रू रजिस्टर्स यूज्ड एज डाटा फॉर्मेट कन्वर्टर्स, यानी डाटा फॉर्मेट को ही कन्वर्ट कर सकता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब जब हमने ये कन्वर्जन करनी होती है तो तब हमें रजिस्टर्स यूज करने पड़ते हैं।